नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस ने आज माफिया अतीक अहमद की एक बेशकीमती जमीन को कुर्क कर लिया है। बता दें, 6 करोड़ की जमीन पर अतीक नदी किनारे अपना फार्म हाउस बनवाना चाहता था। अतीक की ये जमीन यमुना नदी से बिल्कुल सटी हुई है। अतीक ने इसको दूसरे के नाम पर ले रखी, जहाँ आज पुलिस ने जमीन को कुर्क करके इस पर सरकारी बोर्ड लगवा कर डुगडुगी पिटवा दी। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसकी अवैध और बेनामी संपत्तियों पर कार्यवाही जारी है। अब तक पुलिस ने अतीक की 1000 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज की कैंट पुलिस ने माफिया अतीक की एक और बेशकीमती जमीन को गैंगस्टर की धारा में कुर्क कर लिया है। इस जमीन पर पुलिस ने कुर्की का बोर्ड लगाकर माइक से कुर्की की जानकारी लोगों को दी। प्रयागराज के नैनी इलाके में अतीक की ये जमीन 1550 वर्ग गज के करीब है। इसकी कीमत करीब 6 करोड़ के आसपास है। अतीक ने ये जमीन किसी श्याम जी सरोज के नाम से खरीद रखी थी। पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो इसकी गोपनीय जांच की गई, जिसमें ये पता चला कि अतीक इस जमीन पर नदी किनारे होने के कारण फार्म हाउस बनवाना चाहता था। अब पुलिस ने इस जमीन को कुर्क कर लिया है। एडिशनल DCP श्वेता पांडे का कहना है कि कैंट पुलिस की विवेचना में अतीक की अवैध संपत्तियों का पता चला था, जिसे अतीक ने दूसरे के नाम करा रखी, इसलिए इस पर आज कुर्की की कार्यवाही हुई। देखिए, थाना नैनी क्षेत्र में ये एक कार्रवाई की जा रही है, जो ये यहाँ पे पुलिस आयुक्त महोदय के आदेशानुसार एक 2 प्लाटों की कुर्की की गई है। धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ये अतीक अहमद के द्वारा अपने एक परिचित श्यामजी सरोज के नाम से बेनामी के रूप में ये खरीदी गई थी, और उसी को 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया गया है, जिसकी बाजारों कीमत वर्तमान में लगभग 6 करोड़ रुपये है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। जाहिर है, एक समय में यूपी के बेताल माफिया रहा अतीक अहमद अब मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके जाने के बाद भी पुलिस लगातार उसकी अवैध संपत्तियों पर कार्यवाही कर रही है, जो उसने गरीबों से छीन कर बनाई थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।